नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। आज मेरे साथ हैं अनिल शर्मा जी, आम आदमी पार्टी के नेता, जिनसे मैं महिला सुरक्षा और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के ऊपर बात करूंगा। सर, मोबाइल न्यूज 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि दिल्ली में महिला सुरक्षा के ऊपर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। देखिए अनिल जी, जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली पूर्ण राज्य तो है नहीं, दिल्ली सरकार का दिन में पुलिस है नहीं, प्रशासन है नहीं, लेकिन फिर भी केजरीवाल जी और दिल्ली सरकार अपने स्तर पे, आपने देखा होगा बसों में भी मार्शल को हम लोग ला रहे हैं, कई हमारी स्कीमें चल रही हैं। और आप जानते हैं कि एलजी साहब, बीजेपी हमारे जिस फेवर में है, ये चाहते नहीं कि कुछ भी कर पाएँ, लेकिन हमारे बड़े बड़े प्लान्स हैं, काफ़ी हमने काम किए हुए हैं। दिल्ली महिला जो अध्यक्ष हैं, महिला आयोग की स्वाति जी, वो भी काफ़ी लगी हुई हैं, अन्य स्तर पर हम लगे हुए हैं, और बहुत ही अच्छे इसके बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे आगे देखने में। सर, दिल्ली में प्रदूषण काफ़ी बढ़ता जा रहा है और इतने ज़्यादा लोगों की, अगर लास्ट मंथ की बात करूँ, पिछले महीने कई लोगों की प्रदूषण के कारण तबीयत भी खराब हुई है और बहुत से लोगों की जान भी गई। देखिए हनी जी, मैं आपके पास सहमत हूँ, लेकिन जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, दिल्ली का प्रदूषण तो है नहीं है, पंजाब का प्रदूषण है, हरियाणा का प्रदूषण है, हरियाणा में बीजेपी सरकार है, केंद्र सरकार को इस पर कदम उठाने चाहिए। पहले क्या होता था, मैं भी किसान हूँ, हमारी भी खेतीबाड़ी है, पहले क्या होता था, जो धान की पराली है इसको किसान लोग सब अपने हाथ से काटते थे नीचे जड़ तक जो है। अब क्या हुआ, अगर नए सिस्टम में आने से अब मशीनें आ गई हैं, अब मशीन क्या करती है, लगभग 6 इंच के करीब उसको धान को छोड़ देती है वहाँ पर पराली को। अब किसान भाई बेचारे मजबूर हैं, उनके पास पैसा नहीं है, सरकार को इसमें मदद करनी चाहिए, सरकार उनको क्या करे, सहयोग करे, उनको मजदूर दे, मजदूरी दे, जिससे कि वो उसको पराली को कटवा सकें, क्योंकि जलाने से प्रदूषण होगा, इसके लिए जिम्मेवार केंद्र सरकार है। अच्छा, केजरीवाल जी ने कहा भी था, एमसीजी से मदद मांगी कि भैया आप हेलीकॉप्टर द्वारा बारिश करवाइए, लेकिन एमसीजी ने ध्यान नहीं दिया। एमसीजी बोझ लेने के लिए तो जनता के लिए तैयार है, जितने दिल्ली में आप देखेंगे टोल टैक्स बने हुए हैं, किसी भी हरियाणा पर चले जाइए, बदरपुर बॉर्डर है, सिंधु बॉर्डर है, नोएडा बॉर्डर है, सारा टैक्स द्वारा इतना पैसा एमसीजी के पास आता है, क्या वो उस पैसे को जनता के हित में लगा सकते हैं लोग जो है, वो कहते हैं दिल्ली सरकार पैसे देगी, जबकि दिल्ली सरकार ने पैसे के लिए हाँ भी भर ली, लेकिन फिर भी वो तैयार नहीं हुए। एलजी साहब, बीजेपी और मोदी जी ये चाहते नहीं कि दिल्ली के अंदर कोई काम हो, बल्कि आपने देखा होगा जयपुर में जो पार्षद महोदय हैं, वहाँ पर एनटीपीसी ग्राउंड था, बच्चों के लिए, खेलने के लिए, परिवार के लिए एक ही ग्राउंड था, उसको लोग उसको खेलने आते थे, वो उसको कूड़ाघर बना रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान चलाना है और इनके पार्षदगण कूड़ाघर बना रहे हैं। अब आप देख लीजिए इनकी दोगली राजनीति, और गुजरात में आप देखना इनका बुरा असर होगा और बीजेपी बुरी तरह हारेगी। आप लोगों ने देखा कि अनिल शर्मा जी आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने बताया कि एमसीडी को इतना ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है सफाई करवाने के लिए, फिर भी एमसीडी कोई ध्यान नहीं दे रही सफाई पर। आगे की तमाम खबरें और जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ। कैमरामैन मयंक के साथ हनी सहगल, मोबाइल न्यूज 24, बदरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24, मैं हूँ आपके साथ हनी सहगल। आज मेरे साथ मौजूद हैं अरुण कुमार शुक्ला जी, बीजेपी के युवा नेता, जिनसे मैं बात करूंगा कि क्यों अभी तक बदरपुर में एनटीपीसी ग्राउंड की सफाई नहीं की जा रही। देखिए, हमारे जो एमसीडी का बजट होता है वो दिल्ली सरकार इशू करती है, और सफाई व्यवस्था जो भी हमारे निगम पार्षद काम कर रहे हैं, सफाई व्यवस्था के बहुत ही मुस्तैदी के साथ काम किया जा रहा। अभी आप देखे हो कि सफाई कर्मचारी हड़ताल पर थे, वो हड़ताल इसलिए थे कि चूंकि दिल्ली सरकार उनको बजट नहीं दे रही थी एमसीडी को, जब तक एमसीडी के पास फंड नहीं आएगा जब तक हम सफाई कहां से करवा पाएंगे। हमारे पास सफाई कर्मचारियों की कमी है, एक एक वार्ड में 30-30, 35-35 सफाई के कर्मचारी हैं। जब तक दिल्ली सरकार हमें एक्स्ट्रा बजट नहीं देती है, सफाई कर्मचारियों को अपॉइंटमेंट के लिए लेटर नहीं देती है, हम कहां तक सफाई करवाएंगे। ये आम आदमी पार्टी की सरकार सारा बजट लेकर के बैठी है, ग्रीन टैक्स ले रही है, पोल्यूशन इतना दिल्ली में फैल रहा है, हर आदमी परेशान है, लेकिन केजरीवाल सरकार सोई हुई है, इसको अपने अपने पेट की चिंता है, इससे आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। सर, मैं आपकी बात से आपको सवाल करना चाहूंगा। वीरेंद्र महाराज जी हैं मंडल अध्यक्ष, उन्होंने एक आरोप लगाया था आम आदमी पार्टी के विधायक नरेंद्र जी के ऊपर, हमारे चैनल के माध्यम से एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि 3 लाख रुपए मंथली नरेंद्र जी वसूलते हैं जो जयपुर मोड़ पर ऑटो का जाम होता है, क्या ये बात सच है? देखिए, कोई तथ्यात्मक मतलब इसका कोई पुष्टिकरण नहीं किया जा सकता है। जो है हमारे यहाँ विधायक जी क्या काम कर रहे हैं, टंकी रोड का देखिए बुरा हाल है, वहाँ ऑटो वालों को जाम लगता है, ऑटो वाले से मंथली जा रही है कि नहीं जा रही, खैर इस पर तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सच्चाई है कुछ जाम से लोग परेशान हैं। देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब तक नहीं बढ़ेगा हमारे क्षेत्र में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे बढ़े, जैसे मेट्रो कनेक्टिविटी के लिए मेट्रो के फीडर बसें चलें, सार्वजनिक वाहन ज़्यादा से ज़्यादा चलें,
रामवीर भिदूड़ी जी के समय पे हमारे यहाँ पे डीटीसी बसें 460 भी चलती थी, 405 भी चलती थी, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, बस अड्डे, एम्स, हर जगह के लिए बसें चलती थी। आज की डेट में हमारे यहाँ आप देखें जैतपुर क्षेत्र में एक भी बसें नहीं आती। मीठापुर स्कूल तक बसें चलती थी डीटीसी की, सब बसें बंद करा दी गई। आप लोगों ने देखा कि अरुण जी ने बताया कि किस तरह नारायण दत्त जी विधायक हैं जो बदरपुर के, उनके आने के बाद कोई काम पर ध्यान ज्यादातर नहीं दिया जा रहा। आगे की और तमाम खबरें और जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ। कैमरामैन मयंक के साथ हनी सहगल, मोबाइल न्यूज 24, बदरपुर।